चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट लिख दिया मैंने। कह रहा है शो दैट, दो एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं। ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में ये हो गया LHS और ये हो गया RHS। शो करके दिखाना है कि दोनों एक्सप्रेशन आपस में बराबर है। तो देखो ये क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। हो सकता है ये सॉल्व करते करते यही मैच हो जाए। आपको लग रहा है सर मैच तो नहीं हुआ, तो फिर क्या कीजिए, इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व कीजिए। जहां तक सॉल्व करेंगे तो लास्ट में पता चलेगा दोनों एक्सप्रेशन का आंसर सेम आ रहा है। ये क्वेश्चन करने पे आपको पता चलेगा कि इसको सॉल्व करके डायरेक्टली आ जाएगा कि आपको आरएचएस भी अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो सबसे पहले कोई आपको शो करना है तो ये इक्वल जो दिया हुआ है इसको एलएचएस और आरएचएस में डिवाइड कर लो। पहले एलएचएस सॉल्व करेंगे कैसे, 3x+7 का होल स्क्वायर -84x पूरा सॉल्व करके देखते हैं डायरेक्टली आ रहा है कि नहीं। ये डायरेक्टली नहीं आ रहा तो फिर इसको आरएचएस लिखकर पूरा सॉल्व करेंगे और लास्ट में मैच आंसर करना चाहिए। चलो ठीक है देखते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को चेक करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चलो a प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी लिखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। a और b की वैल्यू लिखते हैं, प्लस से पहले a, प्लस से पहले 3x, तो जी a का वैल्यू हो गया 3x, प्लस के बाद b, प्लस के बाद 7, तो b का वैल्यू हो गया 7। अब ये जो ब्रैकेट है वो आईडीडी के एलएचएस जैसा है, क्यों देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कहां डालेंगे, आरएचएस में। ठीक है, और अगर क्वेश्चन आरएचएस जैसा होता, इसमें तीन टर्म होते, एक दो और एक और टर्म कोई और होता, तो फिर वैल्यू आरएचएस में डाल देते। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन एलएचएस को मैच कर रहा होता है तो वैल्यू आरएचएस में डालते हैं आईडीडी के, अगर क्वेश्चन आईडीडी के आरएचएस को मैच करता है तो वैल्यू एलएचएस में डालते हैं। ठीक है, ए स्क्वायर ए कितना है 3x, तो 3x का होल स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर तो प्लस 7 स्क्वायर, प्लस 2ab तो 2 इंटू ए इंटू बी, ये लिखिए विच इंप्लाइज 3x का होल स्क्वायर, 3 पे भी स्क्वायर x पे भी स्क्वायर, कितना आ गया 9x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49। यहां देखिए 2 3 6 6 7 42, प्लस का 42, x एज इट इज लिखा हुआ है। अब ये ब्रैकेट सॉल्व करके तो ये आ गया माइनस का 84x भी है, तो माइनस का 84x। अब जरा सॉल्व करो कितना आया 9x स्क्वायर प्लस 49। अब देखो प्लस का 42 माइनस का 84, तो माइनस का बचेगा 42, वो भी क्या x, समझ लो x और x लिखे ना तो लाइक टर्म्स है, इन्हें जोड़ा जा सकता है या फिर सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो क्या करते हैं 42 और 84 को पहले सॉल्व कर लो, तो प्लस का 42 माइनस का 84, ये तो कंफर्म है कि आंसर आपका माइनस का 42 आएगा, और दोनों के पीछे एक्स लगाए आप भी एक्स लगा लो। अब देखो ये चीज ये मैच होती दिखाई दे रही है, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, तो इसका मतलब क्या हो गया आरएचएस को अलग से सॉल्व करना पड़ेगा। कितना लिखा है आरएचएस 3x-7 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी कौन सी लग रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो चलो a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब क्या ढूंढना है a और b का वैल्यू, माइनस से पहले a, माइनस से पहले 3x, ये लीजिए a मिल गया, माइनस के बाद b, माइनस के बाद 7, ये लीजिए b भी मिल गया। अब क्वेश्चन आइडेंटिटी के एलएचएस जैसा है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कहां डाल दो आरएचएस में। ठीक है, चलो डालो a स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर। ध्यान रखना सिंगल टर्म है ना, तो ब्रैकेट लगाओ या मत लगाओ फर्क नहीं पड़ता, या दो टर्म्स है 3 और x, तो ब्रैकेट लगाना मस्ट है क्योंकि स्क्वायर लग रहा है उसका, माइनस का 2 इंटू a इंटू b। आगे देखिए 3x का होल स्क्वायर कितना हो गया 9x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 3 6 6 7 42, x अपनी जगह, मैच करना हो गया, क्या मैच हो गया 49 मैच हो गया माइनस 42 मैच हो गया, परफेक्ट मैच हो गया। तो क्या लिखोगे, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, ठीक है, या हेंस वेरीफाइड, कुछ भी लिख सकते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट लिख दिया है, ये फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, शो करना है ना, तो इसको सॉल्व करते हुए चलते हैं। ये सॉल्व करके ये मैच कर गया,
तो डायरेक्टली हो गया यस, और नहीं मैच किया तो भाई इसको भी सॉल्व करेंगे और लास्ट में आंसर मैच हो जाना चाहिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हो गया था। ठीक है चलो ब्रैकेट चेक करते हैं पहले LHS का। तो सबसे पहले LHS लिखते हैं, LHS पूरा कॉपी करें तो 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर प्लस का 180pq। सबसे पहले LHS कॉपी किया, अब जरा ब्रैकेट पर ध्यान दो, x माइनस y का होल स्क्वायर, x माइनस y का होल स्क्वायर, एंट्री लगाओ पहले, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस का 2xy। अब ढूंढो x और y की वैल्यू, माइनस से पहले x लिखा होगा, माइनस से पहले 9p, x हो गया 9p, माइनस के बाद y लिखा है, माइनस के बाद 5q लिखा है, तो y हो गया 5q। आइडेंटिटी पुट करते हैं, क्वेश्चन आइडेंटिटी के LHS जैसा है, RHS पे वैल्यू डाल दो, x स्क्वायर 9p का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 5q का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू x मतलब 9p इंटू y 5q। ठीक है ये ब्रैकेट तो पूरा हो गया सॉल्व, लेकिन प्लस 180pq भी लिखा हुआ है, प्लस 180pq, कुछ नहीं करना सिर्फ कॉपी कर दो उसे वहां पर। ठीक है चलिए 9p का होल स्क्वायर 81p स्क्वायर, क्यों 9 का भी स्क्वायर p का भी स्क्वायर, 5q का होल स्क्वायर तो 25q स्क्वायर, जरा ध्यान से 2 5 10, 10 9 90, pq प्लस का 180pq एज इट इज कॉपी, pq लाइक टर्म्स जोड़ाया घटाया जा सकता है, तो माइनस का 90 प्लस का 180 कितना आ गया, प्लस का 90, pq पीछे लिखा रहने दीजिए उसमें, तो कितना आ गया 81p स्क्वायर 25q स्क्वायर प्लस 90pq। अब ये एग्जैक्टली इसके जैसा तो नहीं लिख रहा, इसका मतलब क्या हुआ, वो RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा और फिर RHS का फाइनल आंसर यही आना चाहिए अगर प्रूविंग करेक्ट है तो। ये लीजिए RHS, कॉपी कीजिए RHS, 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में एंट्री चेक करो, x प्लस y का होल स्क्वायर, चाहो तो दूसरा वेरिएबल लगा लो, a प्लस b का होल स्क्वायर, वेरिएबल एंटिटी में वही यूज करना जो क्वेश्चन में यूज नहीं हो रहे हैं। ठीक है ऐसा ना हो आप लिख दो p प्लस q का होल स्क्वायर, जिन वेरिएबल्स को क्वेश्चन यूज करता है हम उन वेरिएबल्स को अपनी एंटिटी में यूज नहीं करते हैं, ये हमारी चॉइस है। अब आप a प्लस b का होल स्क्वायर लिखो या x प्लस y का होल स्क्वायर लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है चलिए इसको मैं a प्लस b का होल स्क्वायर लिख देता हूं, ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है, प्लस से पहले, प्लस से पहले ये लीजिए 9b, b क्या है प्लस के बाद, प्लस के बाद ये हो गया 5q। अब मेरा क्वेश्चन आइडेंटिटी के LHS जैसा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वैल्यू कहाँ डाल दूं, RHS में डाल दो, चलो डालो फिर, a स्क्वायर मतलब 9p का होल स्क्वायर, प्लस लग रहा है आपने भी लगाया, b स्क्वायर मतलब 5q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। अगला स्टेप 9p का होल स्क्वायर, 9 का भी स्क्वायर p का भी स्क्वायर 81p स्क्वायर, 5q का होल स्क्वायर 5 का भी स्क्वायर q का भी स्क्वायर प्लस 2 5 10, 10 9 90, 90pq। जरा चेक करना मैच हुआ, 81p स्क्वायर 81p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर प्लस 90pq प्लस 90pq बिल्कुल मैच हो गया। तो लिखोगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव या फिर हेंस वेरीफाइड, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, शो लिखना है ना तो शो में आप प्रूविंग लिखो ज्यादा बेस्ट रहेगा, क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 3, शो ही करना है वही, इसको सॉल्व करते चलते हैं, सॉल्व करके अगर डायरेक्टली मैच हो गया तो बस वही प्रूविंग हो जाएगा, और मालूम मैच नहीं हुआ तो फिर RHS भी सॉल्व करेंगे और देखेंगे मैच होता है कि नहीं। ठीक है चलिए तो सबसे पहले क्या करें, LHS कॉपी कीजिए, तो 4/3m माइनस 3/4n का होल स्क्वायर प्लस 2mn। अब ब्रैकेट के अंदर एंटिटी चेक करना, a माइनस b का होल स्क्वायर, बिल्कुल तो a माइनस b का होल स्क्वायर, एंटिटी क्या होती है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब a और b का वैल्यू, माइनस से पहले a, माइनस से पहले 4/3m
माइनस के बाद बी, माइनस के बाद 3/4n। तो चलिए ए और बी का वैल्यू भी अपने को मिल गया, तो फटाफट से वैल्यू लिख देते हैं। अब जो ब्रैकेट है वो आइडेंटिटी के RHS जैसा है, तो वैल्यू आप RHS में डाल दो। चलो डालो फिर, ए स्क्वायर मतलब 4m अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3m अपॉन 4 का होल स्क्वायर माइनस का 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब ये जो मैंने पार्ट अभी लिखा है वो तो सिर्फ ब्रैकेट वाला पार्ट सॉल्व हुआ है, प्लस का 2mm भी लिखा हुआ है, आप भी प्लस का 2mm लिख दो, करना कुछ नहीं है, सिर्फ कॉपी करना था उसे। नाउ 4 पे स्क्वायर, m पे स्क्वायर, 3 पे स्क्वायर, तो कितना हो गया 16m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ऐसे ही 3n और 4 तीनों पे स्क्वायर है तो 9n स्क्वायर अपॉन 16, यहां कुछ कैंसिल आउट होगा, 3 से 3 जा रहा है, 2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स, तो कितना बचेगा ये आपके पास बचेगा, अच्छा और भी कट रहा है 2 2 जा 4 तो माइनस का 2mn, पीछे प्लस का 2mn लिखा हुआ है, चेक करो एक पूरा माइनस का है एक पूरा प्लस का, कितना बच गया हमारे पास 16m स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 9n स्क्वायर अपॉन 16, खत्म। क्या चेक करना मैच हो गया, बिल्कुल मैच हो गया, तो क्या लिख दूंगा इसके आगे इज इक्वल टू RHS, सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ध्यान रखना अब आपको यहां सेपरेटली RHS सॉल्व करने का जरूरत नहीं है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की तरह, क्यों LHS हमने सॉल्व किया और डायरेक्टली ही आंसर मैच हो गया RHS का, बस क्वेश्चन ही फिनिश हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ पार्ट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है भाई, शो करना है कि ये पूरा LHS इस RHS के बराबर है। अगर ध्यान से देखो LHS को, इस पूरे को ब्रैकेट को ए मान लूं तो ए स्क्वायर लिखा है, फिर इस पूरे ब्रैकेट को अगर बी मान लूं तो बी स्क्वायर लिखा है, और देखो दो ब्रैकेट के बीच में साइन है माइनस का, तो ये फॉर्मूला बन सकता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अपने पास है बिल्कुल। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले LHS लिखकर LHS कॉपी करते हैं, तो 4PQ माइनस 3Q का होल स्क्वायर माइनस 4PQ माइनस का 3Q का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान से, इस पूरे ब्रैकेट को ए मानते हुए और इस पूरे ब्रैकेट को बी मानते हुए मैं एंटिटी लगाने वाला हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, और क्या होती है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें ए क्या है पूरा पहला ब्रैकेट, तो 4PQ प्लस का 3Q, और बी क्या है पूरा दूसरा ब्रैकेट 4PQ माइनस का 3Q। फिर समझ लो, पूरा ब्रैकेट ए माना गया स्क्वायर लग रहा है ए स्क्वायर माइनस, पूरा ब्रैकेट बी माना गया स्क्वायर लग रहा है बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी, ए पूरा ब्रैकेट बी दूसरा पूरा ब्रैकेट। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी का LHS मैच हो रहा है, आप वैल्यू RHS में डालो, तो डालो ए प्लस बी कितना है ए 4PQ प्लस 3Q प्लस बी प्लस बी कितना है 4PQ माइनस का 3Q दूसरा ब्रैकेट ए माइनस बी, ए कितना है 4PQ प्लस 3Q माइनस बी, बी कितना है और ध्यान रखो माइनस है ना तो एक ब्रैकेट और लगेगा 4PQ माइनस का 3Q, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। चलिए माइनस का 3Q प्लस का 3Q गया 4PQ प्लस 4PQ कितना आ गया 8PQ दूसरा ब्रैकेट, अब ब्रैकेट के बाहर माइनस लग रहा है तो ये माइनस खुलेगा जिसकी वजह से ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो 4PQ प्लस 3Q माइनस का 4PQ प्लस का 3Q। ठीक है, सारे ब्रैकेट के साइन रिवर्स हो गए जब हमने इस ब्रैकेट को खोला, तो माइनस अंदर एक तरह से मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब देखो माइनस का 4PQ प्लस का 4PQ चला गया, कितना बचा 8PQ 3Q प्लस 3Q 6Q, चेक करो कितना आएगा 6 8 48, न्यूमरल से न्यूमरल मल्टीप्लाई, एक ही पी है सिर्फ दो क्यू है तो पी क्यू स्क्वायर, तो 48PQ स्क्वायर हमारा आंसर है, चेक करो 48P स्क्वायर ही चाहिए था RHS में, तो डायरेक्टली क्या लिख देंगे इज इक्वल टू RHS, कुछ सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, मतलब हमारा प्रूविंग हो गया है। फिर लास्ट में क्या लिख देना है कि सिंस
LHS is equal to RHS, hence proved. ठीक है, ये लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, और इसका फिफ्थ पार्ट ही करना है जो कि आखिरी पार्ट है. प्रूव करना है फिर से कि जीरो के बराबर है. ठीक है, तो क्या करें, सबसे पहले LHS लिखें और पूरा का पूरा LHS कॉपी करें, तो कितना आएगा, a माइनस बी ए प्लस बी प्लस दूसरा ब्रैकेट b प्लस सी और b माइनस सी प्लस तीसरा ब्रैकेट c माइनस ए और c प्लस ए. अपने आंसर में हमें जीरो चाहिए नीचे जब सॉल्व करके आएगा. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो आइडेंटिटी, a माइनस बी ए प्लस बी, डायरेक्टली आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं. ठीक है, प्लस इसी तरह से b प्लस सी बी माइनस सी, तो क्या होगा एंटिटी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस, याद रखना c माइनस ए सी प्लस ए, तो क्या हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. आइडेंटिटी तीनों में एक ही लग रही है, बस उनके लेटर अलग अलग है. फिर चेक करो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी प्लस ए इंटू सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ठीक है, चलो सारे ब्रैकेट के बीच में प्लस लग रहा है, आराम से खोल लो, कोई दिक्कत ही नहीं है. तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. अब चेक करना, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर गया, माइनस का बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ये लीजिए गया, प्लस का सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर गया, क्या बचा जीरो. चाहिए क्या था, जीरो ही चाहिए था. तो क्या लिखेंगे अगले स्टेप पर, is equal to RHS, लिखेंगे since NHS is equal to RHS, hence proved. ठीक है, ये लीजिए क्वेश्चन फिफ्थ पूरा हुआ. अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स फिलीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए.